नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में कूड़ेबार थाना क्षेत्र के सिद्ध गणेशपुर इलाके में दो गाड़ियों में भिड़ंत हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी का दबंगों ने कालर पकड़ते हुए हमला कर दिया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष शारदेन दुबे ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर स्थिति को कंट्रोल किया और अभियुक्त को पकड़कर थाने ले गई, जहां पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। अमेठी में जायज कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार बदमाशों ने गल्ला व्यवसायी पर जानलेवा हमला करते हुए हजारों रुपए छीन लिए। गल्ला व्यवसायी मनीष के सर और शरीर पर गंभीर चोटें आई। घायल मनीष ने थाने पर पहुंचकर शिकायत की, जहां पर पुलिस वालों ने मनीष और उसके परिजनों से अभद्रता की है। जौनपुर में चंदवक थाना इलाके के आजमगढ़ वाराणसी हाईवे के मोडेला मोड़ के पास अज्ञात व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की शिनाख्त में जुट गई। जौनपुर के थाना सुजानगंज में खतिहरा गांव में अधेड़ महिला का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जौनपुर में थाना खेतासराय पुलिस टीम ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 6 व्यक्तियों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर चालान कर दिया। जौनपुर में थाना कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलते हुए जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जुआरियों के कब्जे से 65,000 रुपए और ताश की गड्डी के साथ 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी गांव के धनतिया में प्रधान हारिस के बेटे जीशान के निकाह में जमकर बार बालाओं ने अश्लील डांस किया और कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। गाजीपुर सदर कोतवाली के शिव सर्जिकल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से 24 साल की महिला राम प्यारी देवी और उसके बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। गाजीपुर में प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक कुमार सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया है। गाजीपुर के सैदपुर कोतवाली नगर इलाके में मौजूद पक्का घाट में परिजनों के साथ नहाने गई 4 साल की बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मौसी इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे, जिसमें डूबने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।